हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम हब एंड आई एम पल्लवी जैन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिकल काइनेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। केमिकल काइनेटिक्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम लोग अपने नोट्स पढ़ लेते हैं, बुक्स को कम्प्लीटली हम चैप्टर्स को रीड आउट कर लेते हैं, हम लोग अक्सर भूल जाते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इफ यू वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना चाहिए। तो आज वही हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4, वॉल्यूम 1, केमिकल काइनेटिक्स। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये हमको पहले समझना है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को रीड नहीं करेंगे तब तक आप कम्प्लीट सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ क्या दे रखा है देखते हैं। फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन, सो व्हाट डज द मीनिंग ऑफ रेट एक्सप्रेशन, जो हमको रेट का एक्सप्रेशन दे रखा है यहाँ पे, जो हमको रेट लॉ यहाँ दे रखा है हर इक्वेशन के नीचे, वो हमको देखना है। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये हमको रिएक्शन दे रखा है और इसका हमको रेट का एक्सप्रेशन दे रखा है, जिसको कि हम रेट लॉ भी कहते हैं। तो व्हाट वी नीड टू बी डिटरमाइन, वी नीड टू डिटरमाइन दैट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये हमको समझना है। हम लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर के बारे में। तो ऑर्डर क्या होता है, एक्चुअली जो ऑर्डर होता है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा है। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा, एक्सपेरिमेंटल डेटा हमें रेट लॉ में शो किया होता है कि हमारा जो भी रिएक्शन हमको दे रखा है, जरूरी तो नहीं कि वो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन हो, इट मस्ट बी मल्टी स्टेप रिएक्शन। और जो ऑर्डर है वो हमारा उस स्टेप पर डिपेंड करता है जो कि स्लोएस्ट स्टेप होता है, राइट। तो हमको यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल डेटा फाइंड आउट करना है, तो हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगर हमको रेट लॉ दे रखा है तो हम लोग ऑर्डर आराम से पता कर सकते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पर डायमेंशन, डायमेंशन का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिट। तो यहाँ पर हमको किसका यूनिट पता करना है, रेट कॉन्स्टेंट का। व्हाट इज रेट कॉन्स्टेंट, दैट इज के। के को हम लोग क्या बोलते हैं, के इज नोन एज अ रेट कॉन्स्टेंट। चलिए अब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कॉन्स्टेंट फॉर अ सर्टेन रिएक्शन विच इज गिवन अस। अगर आप देख पा रहे तो ओवरऑल हमको यहाँ पे 4 रिएक्शंस दे रखी हैं, पर हमको यहाँ पे रिएक्शन से कोई भी मतलब नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए और डायमेंशन, क्योंकि हमको यहाँ पे रेट लॉ हर रिएक्शन का दे रखा है। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा, और ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमको रेट लॉ दे रखा है आर इक्वल टू के, वॉट इज के, दैट इज योर रेट कॉन्स्टेंट, एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड देयर पावर एंड मे बी द अदर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑल्सो गिवन, देयर पावर ऑल्सो गिवन। तो वी नीड टू, वॉट वी नीड टू डू, हमें इनको एड करना है। अगर ऑर्डर को निकालना है तो जो भी कंसेंट्रेशन हमको दे रखा है रिएक्टेंट्स का, उनके हमें पावर्स को एड करना है, तो हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल जाता है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब निकालते हैं हर इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कॉन्स्टेंट। चलिए करते हैं। सो आप देख रहे हो कि पहला जो रिएक्शन है, हमको रिएक्शन से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन दे रखा है, राइट। तो रेट एक्सप्रेशन जो फर्स्ट रिएक्शन का है वो है आपका रेट इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ एनओ, कंसेंट्रेशन ऑफ एनओ एंड इट्स पावर 2। तो मैंने कहा कि अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो जो भी कंसेंट्रेशन दे रखी है उसके पावर को हमें ऐड करना है, लेकिन यहाँ पर हमें ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हमको पावर दे रखा है 2, तो यही हमारा ऑर्डर होने वाला है। तो जो यहाँ पे ऑर्डर है रिएक्शन का वो है ऑर्डर 2, तो इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए है। फिर इसका ही सेकेंड पार्ट है कि हमें रेट कॉन्स्टेंट का यूनिट पता करना है, किसका, रेट कॉन्स्टेंट का यूनिट। तो चलिए रेट कांस्टेंट हमारा क्या है, हमारा रेट कांस्टेंट होता है के, और यहाँ पे हमारे रेट लॉ क्या दे रखा है, रेट लॉ इक्वल्स टू के एनओ पावर 2। तो हमें के पता करना है, तो क्या हो जाएगा, रेट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एनओ पावर 2। तो बेटा रेट का यूनिट क्या होता है ये हमको पता करना है। तो रेट का यूनिट मैं आपको बता देती हूँ कि रेट का यूनिट होता है, पहले तो इसका फॉर्मूला होता है कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम, राइट। तो कंसेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, ये सब आपको पता ही होगा, ठीक है। कंसेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर और टाइम का होता है सेकेंड। तो ये क्या होने वाला है, मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स, राइट। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जो रेट का यूनिट होगा वो होगा मोल
लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स, राइट। और इसी तरह से जो आपका ये NO है ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यहाँ पे कंसेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया मोल लीटर, राइट। तो यहाँ पर भी क्या होगा, मोल पर लीटर। तो हम पर लीटर को क्या लिख सकते हैं, लीटर इनवर्स का पावर 2। अब क्या आने वाला है, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये पूरा की पूरा एक मोल लीटर इनवर्स है, इसको हम एक को यहाँ से कट कर देंगे, तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पे बचने वाला है, देखिए यहाँ पर गौर से देखिएगा। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में रब कर देती हूँ, सो वी विल हैव द प्लेस सॉल्व फर्दर इक्वेशन। चलिए करते हैं, ओके, इट विल टेक लिटिल बिट टाइम। ओके, ये मैंने रब कर दिया। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमारे पास क्या क्या बचने वाला है, हमारा देखिए यहाँ पे क्या क्या बचा, अगर हमारा मोल लीटर इनवर्स यहाँ पे रब हो गया तो ये सेकेंड इनवर्स बचा, और नीचे मोल लीटर इनवर्स, इसको ऊपर लेकर आएंगे तो क्या आएगा, मोल इनवर्स लीटर एंड सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारा यूनिट होने वाला है किसके लिए, ऑर्डर नंबर 2 के लिए, फॉर द रेट कांस्टेंट। तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट हो गया। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा दैट हाउ टू कैलकुलेट दिस। सो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का सेकेंड पार्ट। अगर आप सेकेंड पार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड को 3I नेगेटिव एक्वा सॉल्यूशन में प्लस 2H पॉजिटिव से हमारा क्या क्या है, वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है और I3 नेगेटिव आ रहा है, लेकिन हमको रिएक्शन से कोई भी मतलब नहीं है, जैसे कि मैं आपको पहले बताया, हमको मतलब है रेट कांस्टेंट से। तो हमें रेट लॉ क्या दे रखा है, हमको रेट लॉ दिखा है रेट इक्वल्स टू के H2O2 एंड I नेगेटिव। तो बेटा जब कोई भी पावर नहीं होता है तो हम उसको 1 मानते हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर हमारा आ जाएगा 1+1=2। तो ऑर्डर हमारा क्या होने वाला है इस रिएक्शन के लिए, 2। और अभी आपने देखा था जस्ट हमने जो फर्स्ट इक्वेशन के लिए आया था हमारा ऑर्डर 2, तो जो डायमेंशन हमारी रेट कांस्टेंट के लिए आई थी वो ही डायमेंशन हमारी यहाँ पे आने वाली है। तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं चाहे तो, अगर आप सॉल्व नहीं करना चाहे तो आप सीधे भी लिख सकते हैं। तो क्या हमारा यहाँ पर होने वाला है, यहाँ पर हमारा देखिए दोबारा से यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होने वाला है वो वही होगा जो पहले वाले में आपको देखने को मिला था, राइट। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, तो क्या हमारा क्या था, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, यही हमारे ऑर्डर 2 की रिएक्शन का क्या है, आपका रेट कांस्टेंट का यूनिट। ओके, चलो अब थर्ड पर आते हैं। पहला और फर्स्ट और सेकेंड तो बहुत ही इजी था, अब हम थर्ड पर आते हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर हम थर्ड को देखते हैं तो हमको यहाँ पे रेट लॉ देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पे फ्रैक्शन में आपको ऑर्डर दिख रहा है, तो यहाँ पे हमको रेट लॉ दे रखा है रेट इक्वल टू के NCH3 CHO3 द पावर 2। तो हमारा ऑर्डर क्या होगा, जो पावर में है वही हमारा ऑर्डर होने वाला है। यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन हमको दे रखा है जिससे भी रेट लॉ आपका डिपेंड करता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 3/2। अब हमको क्या निकालना है, अब हम आप देख पा रहे कि हमको रेट कांस्टेंट निकालना है, तो चलिए जो हमको रेट लॉ दे रखा है उसी से हम लिखते हैं एक और इक्वेशन, के इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ CH3 CHO पावर 3/2। चलिए हमने आपको बताया ही था कि रेट का जो यूनिट होता है क्या होता है, पहले तो फॉर्मूला होता है कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम, उससे हमने जो यूनिट निकाला था वो था हमारा मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स, राइट। अब हम यहाँ पर हमको पता है कि CH3CHO क्या है, ये भी कंसेंट्रेशन है, तो इसका यूनिट क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स 3/2। चलिए इसको हम और भी ओपन करते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल 3/2 लीटर माइनस 3/2। अब देखिए आपको मैथमेटिक्स का यूज करना है सिंपली, तो मोल अगर कोई भी पावर नहीं तो उसको 1 मान लेते हैं, 3/2 ऊपर जाएगा तो -3/2 हो जाएगा, उसके बाद लीटर -1 और नीचे देखिए कितना -3/2 है, तो ऊपर जाके प्लस का 3/2 हो जाएगा, एंड से सेकेंड इनवर्स। इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, मोल 2-3/2 लीटर -2+3/2। सिंपली इट्स मैथमेटिक्स, राइट। एंड होपफुली आप सबको मैथमेटिक्स तो आती होगी, -1/2
टू लीटर वन बाय टू एंड सेकेंड इनवर्स. तो दिस इज द यूनिट फॉर ऑर्डर थ्री बाय टू. तो होपफुली आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा कि यहाँ पे आपका रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो मोल माइनस वन बाय टू लीटर वन बाय टू और सेकेंड इनवर्स आपका रेट कांस्टेंट का यूनिट आ रहा है. चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं. होपफुली आपको समझ में भी आ रहा होगा और इजी लग रहा होगा क्योंकि अगर हम एक बार सॉल्व चीज करना स्टार्ट करते हैं तो चीजें हमारे लिए इजी होती चली जाती हैं. अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर आ रहे हैं. यहाँ पर भी हमको इक्वेशन को नहीं देखना, हमको यहाँ पर रेट लॉ देखना है. और रेट लॉ हमको क्या दे रखा है, देखिए रेट लॉ आपको दे रखा है रेट इक्वल टू के सी टू एच वाई सी एल, राइट. तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोई भी पावर नहीं है, इसका मतलब वन है. तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है, वन. अगर हम यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा वन आ रहा है और हम यहाँ पे रेट कॉन्स्टेंट निकालेंगे तो इक्वेशन क्या बनती है, के इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय सी टू एच फाइव सी एल, राइट. फिर से यूनिट लगाइए, आपको रेट का यूनिट तो पता ही है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. और नीचे जो कंसंट्रेशन का यूनिट है वो भी आप क्या है, मोल लीटर इनवर्स. तो मोल से मोल कट गया, लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कट गया. तो के का जो वैल्यू आ रहा है, यूनिट आ रहा है, वो आ रहा है सेकेंड इनवर्स. तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व कर लिया. होपफुली आपने इसको पसंद किया होगा. तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ये मुझे भी हेल्प करेगा और आपके लिए नए नए वीडियोस मैं बनाती रहूंगी. थैंक यू.